आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी के चीले। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये और बिल्कुल झटपट बन जाते हैं। सुबह के जब टाइम पे आपको हड़बड़ी रहती है तो उस टाइम पे ये वाले जो चीले बनाते हैं ना, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और मेन चीज़, ये रेसिपी काफ़ी हेल्दी भी है, इसमें खूब सारी सब्जियाँ पड़ती हैं तो बच्चे भी इसे बिना नखरे के खा लेते हैं। तो रेसिपी को देखते हैं। सूजी का चीला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ले ली है और 1 कप दही ले लेंगे। कप में थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे इसको इसमें डाल देते हैं। ये भी नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और अब इसे विस्क करके, हेल्प से ऐसे विस्क करके मिक्स कर लेंगे। तो जनरली जो सूजी होती है उसमें लम्ब्स नहीं बनते हैं, आसानी से मिक्स हो जाता है, तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जो बैटर है उसे हमें रनी नहीं बनाना है, थिक बनाना है, क्योंकि चीले बनाने के लिए हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए होता है। तो ये देखिए, इसमें आप पानी ऐड करते जाएंगे। 1/2 कप के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। अब इसे ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं तो सूजी देखिए अभी फूल गई है। तो अब हमें क्या करना है, सूजी फूल चुकी है, यहाँ पर हम इसमें खूब सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे ताकि बहुत ही हेल्दी वाला चीला बने। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, गाजर, कैप्सिकम, हरी मिर्ची और प्याज ली है, ठीक है। ये देखिए गाजर भी ऐड कर देते हैं, कैप्सिकम डाल देते हैं कुछ, टमाटर डाल देते हैं और प्याज डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बीन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ियाँ सारी मिक्स हो चुकी हैं, मसाले वगैरह इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालने। आप चाहे तो इसमें मसाले थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के, लेकिन ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ सब्ज़ियाँ डालो, नमक और सूजी, दही वगैरह तो डाला ही है, इसे बहुत परफेक्ट टेस्ट आता है। अब इसमें पानी डाल के हमने कंसिस्टेंसी इसकी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसको अच्छे से पैन को ग्रीस कर लेना है। अब इसमें बैटर देखिए इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत थिक है ना ही पतला है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1/4 चम्मच कड़ची से 1/4 चम्मच डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको डाल के ऐसे फैलाना है, धीरे धीरे से ऐसे करके फैलाना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से बन जाता है स्टार्टिंग में। अगर आप जैसे कि ये देखिए, अभी इसके साइड में से इसका ये कलर है थोड़ा ट्रांसपेरेंट में आ रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, ऊपर से थोड़े से बबल से दिख रहे हैं। तो इसको साइड से चम्मच से ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे निकालते जाना है। अगर ये आसानी से छूटने लगा है तभी आपको पलटना है, वरना आप वैसे इसको पलटेंगे ना तो टूट सकता है। तो ये देखिए अभी ये आसानी से तवे से अलग हो रहा है, तो अब इसको पलट लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने ऐसे पलट लिया है, अब इसको नीचे की तरफ से सेकेंगे अच्छे से, क्योंकि ऊपर से तो अच्छी सी लेयर आ चुकी है, क्रिस्पी सी, ब्राउन सी, इसको नीचे की तरफ से भी ऐसे सेकते जाना है। तो जो चीला है उसको बनाना बहुत ही आसान होता है, आसानी से बन जाते हैं। फिर भी अगर जैसे आपके स्टार्टिंग में 1-2 चीले अगर टूट फूट भी जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जब तीसरा चौथा आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो परफेक्ट बनेगा। स्टार्टिंग में 1 चीला ख़राब हो ही जाता है जनरली, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो ये देखिए बन के तैयार है बिल्कुल बढ़िया सा, तो और बहुत स्वादिष्ट लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो देखिए है ना, तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ये सिक चुका है अच्छे से, दोनों साइड से अच्छा सिक चुका है, ये देखिए बढ़िया लग रहा है ना। तो इसी तरीके से बाकी चीले भी हम बना लेंगे। और ये देखिए, तो इतने बैटर से ना आप 3 से 4 लोगों के लिए आराम से चीले बना सकते हैं। 3 से 4 लोग 2-2 चीले भी खाएंगे ना, बढ़िया से पेट भर जाता है। तो इसके साथ आप चटनी ले सकते हैं, टोमेटो की चटनी, टोमेटो और प्याज की चटनी ले सकते हैं, और धनिया की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अमेजिंग नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। ज़रूर रेसिपी ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।